खबर जनपद उधम सिंह के जसपुर से है, जहां जसपुर कृषि उत्पादन मंडी समिति सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों की जन समस्याओं को लेकर यूनियन को अवगत कराया और किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु सीएम धामी के नाम पर एक 4 सूत्रीय मांग पर पत्र एसडीएम गौरव चटवाल को सौंपा। इसी दौरान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने कहा कि अभी तक किसानों की गन्ने को का बकाया भुगतान समय पर नहीं हो पाया है, किसानों का बकाया भुगतान शीघ्र कराया जाए। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मासिक पंचायत थी क्योंकि संडे था, कल 28 में होती है, तो आज सोमवार था, छुट्टी होती है संडे में, तो इसलिए आज मासिक पंचायत हुई है। जो समस्या क्षेत्र की हमारे किसानों की आती है तो वही मुद्दे यहाँ पर उठते हैं, जैसे गन्ने का पेमेंट अभी नहीं हो पाया, बकाया अभी रह रहा है, तो वो बकाए गन्ने के पेमेंट की यहाँ पर मुद्दा उठा है, और बिजली की जो दरें बढ़ी हैं उसका पुरजोर विरोध करा है सभी ने, किसानों ने, क्योंकि बिजली ऊर्जा प्रदेश है, बिजली तो फ्री होनी चाहिए ट्यूबलों के लिए और घरेलू मीटरों के लिए। 300 जो है यूनिट की फ्री की मांग करती भारतीय किसान यूनियन आ रही है लगातार, तो ये दरें और बढ़ाए जा रहे हैं ऊर्जा प्रदेश में, अन्य प्रदेशों ने फ्री कर रखी हैं ट्यूबलों की और वहाँ दरें भी कम हैं, और 300 यूनिट तो कई प्रदेशों में घरेलू मीटरों की फ्री हैं, ट्यूबलों की फ्री हैं, तो ये तो ऊर्जा प्रदेश है, तो इसमें फ्री की मांग हम करते हैं वो नहीं हो पा रही और दरें बढ़ रही हैं, इसका पुरजोर विरोध करा गया है। नहरों की साफ सफाई है नहीं, नहरों में कई जो है गंदा पानी भी आ रहा है जो खेतों में नुकसान कर रहा है फसलों को, तो साफ़ सफाई नहरों के है नहीं, उसमें साफ़ सफाई की मांग रखी है।